बॉलीवुड सुपरहिट गदर मूवी देने वाले एक्टर सनी देओल ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है। उन्होंने सिर्फ गदर में ही नहीं बल्कि रियल में भी कभी हिंदू और अन्य धर्म में भेदभाव नहीं किया है, लेकिन हाँ, रियल में उनके साथ जरूर भेदभाव हुआ। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रहा वो भेदभाव, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बता दें कि सनी देओल कई बार क्रेडिट ना मिलने पर भी खुलकर बात करते रहे हैं। सनी देओल कई इंटरव्यूज में ये स्वीकार भी कर चुके हैं कि उन्हें अपनी ब्रांडिंग करनी नहीं आती थी, जबकि अन्य फिल्मी सितारे इसमें आगे निकल जाते थे। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जब सनी श्रीदेवी के साथ काम नहीं करना चाहते थे। सनी ने आपकी अदालत में बताया था कि वो कई एक्टर्स की हरकतों से परेशान हो गए थे। श्रीदेवी कैमरा के पीछे कई बार बहुत अजीब हरकतें करती थी, जिससे उनकी एक्टिंग पे भी प्रभावित पड़ता था। सनी ने कहा था, एक बार मैंने अपनी निगाह श्रीदेवी पर ही टिका दी थी और उनसे कहा कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालांकि वो भी मेरी बातों को समझ गई, लेकिन फिर मैंने उनके साथ काम नहीं करने का फैसला किया। लेकिन इतना ही नहीं, सिर्फ सनी नहीं बल्कि एक्ट्रेसेस भी सनी के साथ काम नहीं करना चाहती थी। सनी देओल ने बताया कि श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय ने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया था। मैंने फिल्म घायल के लिए श्रीदेवी को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया। मैं एक और फिल्म बना रहा था जिसके लिए मैंने ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। मैंने कई और बड़ी अभिनेत्रियों को भी अप्रोच किया, लेकिन वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती थी। शायद सभी ने उनके साथ काम करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वो पुरुष प्रधान फिल्मों में काम करती थी। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी। फिल्म गदर में अनिल शर्मा को एक नई एक्ट्रेस को लाना पड़ा। हालांकि अमीषा कहोना प्यार है से इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुकी थी, लेकिन फिर भी बाकी सबके मुकाबले काफी नई थी। हालांकि बाद में ये फिल्म घायल और गदर दोनों ही सुपरहिट साबित हुई थी। वैसे गदर भी एक पुरुष प्रधान फिल्म ही थी, क्योंकि पूरी फिल्म तारा सिंह के किरदार और उसी की कहानी के इर्द गिर्द घूमती नजर आई थी। तो क्या अब आप फिर से गदर 2 भी होगी एक पुरुष प्रधान फिल्म, या आपकी बार अनिल शर्मा जोड़ेंगे इसमें कोई नए विचार? वैसे हमारे हिसाब से तो कहानी वही अच्छी है जो सबको साथ लेकर आगे चले। बेशक गदर एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म में सकीना को एंड तक ये तक नहीं पूछा गया कि वो क्या चाहती है। फिल्म के शुरुआत में उसे बिना पूछे किसी ने शादी कर ली, फिर बिना पूछे वापस उसके घर ले जाया गया, फिर उसकी दूसरी शादी पक्की हो गई और तारा के हर भाव को बड़ी ही अच्छी तरह पर्दे पर उतारा गया। उम्मीद करते हैं कि गदर 2 में अब ऐसा नहीं होगा। कहानी को बराबर करके दिखाया जाएगा, कहानी को वक्त के साथ बदला जाएगा और किरदारों को भी पॉलिश किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या गदर 2 भी होगी एक पुरुष प्रधान फिल्म? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।